ऑल दिस आई बेयर टॉवर्ड नो ग्रज, अभी भी मुझे है टॉवर्ड से लेके कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी, शंका नहीं हो रही थी, ना उसको लेकर कोई गुस्सा आ रहा था। आई हैव सिंपली एडेड हिम टू द लिस्ट ऑफ मैन हु ओ मी अ डॉलर एंड हु हैव फॉरगॉटन इट। मैंने जो है उनको बस अपनी उस जो लिस्ट दी उन लोगों की लिस्ट में शामिल कर लिया था जिन्होंने मुझसे डॉलर उधार लिया था और जो भूल गए थे। देर आर क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम नाउ, अब इसमें से कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने डॉलर उधार लेकर भूल गए थे। आई मेक नो डिफरेंस इन माई डेमिनियर टू देम बट आई ओनली विश दैट आई कुड फॉरगेट। अब इससे जो है मेरा उनके प्रति जो व्यवहार था उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन तब भी मैं चाहता था कि मैं काश जो है ये बात भूल जाऊं कि उन्होंने मुझसे डॉलर उधार लिया है, लेकिन मैं जो हूँ भूल नहीं पा रहा था। आई मेट टॉड वेरी फ्रिक्वेंटली, मैं टॉड से बहुत जल्दी जल्दी ही मुलाकात मेरी होती रहती थी। ओनली टू नाइट्स अगो आई मेट हिम आउट एट डिनर एंड ही वॉज टॉकिंग एपरेंटली विदाउट सेल्फ कॉन्शियसनेस अबाउट पोलैंड। अभी दो रात पहले ही मैं जो हूँ उससे डिनर पर मिला था और वो जो है बिना सोचे समझे जो है जैसे एक पोलैंड के बारे में बोलते जा रहे थे। He said, Poland would never pay her debts. वो कह रहे थे कि पोलैंड जो है कभी भी उसका कर्ज जो है वो नहीं चुकाएगा। You would think a thing like that would have reminded him, wouldn't you? आप सोच रहे होंगे कि इस तरह की चीज जो अगर वो बोल रहा है तो शायद उसको याद आ जाएगा, ऐसा हो सकता है। बट इट डिडंट सीम टू, बट ऐसा कुछ नहीं था। बट मीन टाइम अ थॉट रेदर अ पेनफुल थॉट हैज बिगन कम टू माई इनटू माई माइंड एट इंटरवल्स। पर मेरे इतने बीच में एक ऐसा विचार कह सकते हैं थोड़ा सा दर्द भरा था, लेकिन ऐसा विचार जो है मेरे माइंड में रुक रुक कर आ रहा था। इट इज दिस, और वो क्या था? इफ टॉट ओज मी अ डॉलर एंड हैज फॉरगॉटन इट, इट इज पॉसिबल इंडीड, इट इज थ्योरेटिकली प्रोबेबल दैट देयर मस्ट बी अ मैन To whom I owe a dollar, which I have forgotten. कि अगर टॉड ने मुझसे डॉलर उधार लिया है और वो भूल गया है तो ये भी तो हो सकता है, शायद थियोरेटिकली प्रोबेबल है कि मैं भी हो सकता है वो इंसान हूँ कि मैंने किसी से उधार लिया और मैं भूल गया हूँ। देर में बी अ लिस्ट ऑफ देम, हो सकता है जो कोई लिस्ट ऐसी हो जिसमें मेरा नाम भी शामिल हो। द मोर आई थिंक ऑफ इट द लेस आई लाइक इट, बिकॉज आई एम क्वाइट श्योर दैट इफ आई हैड वंस फॉरगॉटन अ डॉलर I should never pay it on the side of the grave. अब मैं जितना ज्यादा सोचता था उतना ही मुझे कम पसंद आ रहा था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि अगर मैंने एक बार डॉलर छोड़ दिया या डॉलर भूल गया मैं, तो फिर मैं उसे कभी वापस नहीं करूंगा मरते दम तक। If there are such men, I want to speak out. अगर कुछ इस तरीके के लोग हैं तो मैं चाहूंगा कि वो बोले इस बात को, नॉट ऑल एट वंस बट इन रीजनेबल नंबर्स and as far as may be in alphabetical order, and I will immediately write their names down on paper. सबके सब एक साथ नहीं बल्कि थोड़े थोड़े करके alphabetical order में चले तो मैं जो हूँ उनके नाम फौरन लिखता जाऊँगा पेपर के ऊपर। I don't count here men who may have lent me an odd dollar over a bridge table. मेरे को ऐसे कोई इंसान याद नहीं आते जिन्होंने मुझे डॉलर उधार दिया होगा ब्रिज टेबल पे। And I am not thinking of the man who lent me 30 cents to pay for a bottle of plain soda in the Detroit Athletic Club last month. और मैं ना सोच रहा हूँ ना मैं उस इंसान के बारे में सोचना चाहता हूँ जिसने मुझे 30 cents उधार दिए थे ताकि मैं जो हूँ प्लेन सोडा की बॉटल को पे कर सकूँ Detroit Athletic Club में पिछले महीने। I always find that there is nothing like plain soda after a tiring ride across the Canadian frontier, and that man who advanced the 30 cents know exactly why I felt that I had done enough for him. मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि ऐसा जो प्लेन सोडा होता है इतनी ज्यादा जो कैनेडियन फ्रंटियर है या उसके जो कैनेडियन सीमा है सरहद है अगर उस पे कोई थकावट भरी जर्नी करके आए तो उससे उसको जो सोडा मिल जाए प्लेन वाला उससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा। और जिस इंसान ने मेरे को 30 सेंट्स दिए थे उसे पता होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया था। बट इफ एनी मैन एवर लेंट मी अ डॉलर टू पे फॉर अ टैक्सी व्हेन आई वाज स्टार्टिंग फॉर बर्म्यूडा आई वांट टू पे इट। और अगर किसी इंसान ने मुझे डॉलर उधार दिया है टैक्सी किराया पे करने के लिए अगर मैं बर्म्यूडा जा रहा हूँ तो मैं चाहूंगा कि मैं उसे वापस कर दूं। मोर देन दैट आई वांट टू स्टार्ट अ जनरल मूवमेंट अ बैक टू ऑनेस्टी मूवमेंट फॉर पेइंग ऑल दीज ऑड डॉलर्स that are borrowed in the moments of expansion.
इसके अलावा ये कह सकते हैं, इससे ज्यादा जो कह सकता हूँ मैं, कि मैं एक ऐसा जनरल मूवमेंट जो है स्टार्ट करना चाहता हूँ, एक ऐसा वापस ऑनेस्टी वाला मूवमेंट, जिसमें जितने भी ये जो और डॉलर्स हैं, यानी जो मैंने डॉलर्स लिए हैं बढ़ा, जैसे कह दिए उन विस्तार के दौरान, उन मूवमेंट्स जब विस्तार हुआ था तब मैंने ये जो और डॉलर्स लिए थे उनके लिए मैं एक ऐसा ऑनेस्टी मूवमेंट चलाना चाहता हूँ ताकि मैं उनको वापस कर सकूँ। लेट अस रिमेम्बर दैट द ग्रेटेस्ट नेशंस वर बिल्ट अपॉन द रॉक बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट ऑनेस्टी। और इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि जो बड़े बड़े नेशन हैं ये सब के सब जो हैं इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के जो बेसिस पे बने हुए हैं, ये इनकी जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है ये पूरी तरीके से ईमानदारी है जिस पर ये बने हैं। In conclusion, may I say that I do particularly ask that no reader of this book will be careless enough to leave this copy round where it might be seen by Major Todd of the University Club of Montreal. अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी रीडर यानी जो पढ़ रहा है इस बुक को, वो इतना लापरवाह नहीं होगा कि वो जो है उस कॉपी को, जिस कॉपी को उसने पढ़ा है वो वहीं पर छोड़ दे जहाँ पर उसको जो है मेजर टॉड देख लें, जो कि यूनिवर्सिटी क्लब ऑफ मॉन्ट्रियल के हैं। वो अगर कहीं इस बुक को देख लेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि उन्होंने जो है डॉलर उधार लिया। इसलिए मैं चाहूँगा कि कोई भी जो रीडर है वो इतना लापरवाह ना हो कि वो अपनी कॉपी को ऐसे ही छोड़ दे जहाँ पर मेजर टॉड की उस पर निगाह पड़े। तो ये था चैप्टर, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन। बाय।